यार गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो। देखो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो गया है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो एक बार मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तब आपको केवल अब उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं आपके लिए और जो चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका लाइट चैप्टर होता है प्रकाश का अपवर्तन, उससे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बनते हैं और जिस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है उसी तरीके के कुछ न्यूमेरिकल को, उसी तरीके के कुछ प्रश्नों को आज हम अपने इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रश्न, किस प्रकार का न्यूमेरिकल वाला प्रश्न आपसे आपके एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछता है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम इसी पर रिलेटेड 10 प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व करना। कुछ प्रश्न मैं करवाऊंगा, कुछ आप करोगे, तब आपकी जो प्रैक्टिस है और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? एक बार ज़बरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों, आ जाओ सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हों तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना है। देखो दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह 2006 में, 2011 में, उसके बाद 2014 में, ऐसे काफ़ी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है और इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कह सकते हैं दसियों बार आया हुआ है। इसी पर जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटेड प्रश्न, बस वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दी जाती है, यहाँ पर जल के सापेक्ष कुछ और दे दिया जाता है आपको। सीधे सीधे सबसे पहले क्या करना है आपको, जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप उन चीज़ों को लिख लो। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का, तो चलिए लिख लिया वायु के सापेक्ष जल का क्या हो जाएगा आपका, ANW, यही तो होगा वायु के सापेक्ष जल का। कितना कह रहा, 4/3 हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ क्या कह रही, वायु के सापेक्ष कांच का, तो हमने लिख लिया वायु के सापेक्ष ANG, जी का मतलब ग्लास, ए का मतलब एयर, एयर के सापेक्ष आपका क्या हो गया, ग्लास का अपवर्तनांक क्या कह रहा, 3/2 कह रहा है। अब पूछ आपसे कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष, कांच का पूछ रहा है तो कांच वाला बाद में रहेगा, जल के सापेक्ष कह रहा है तो जल वाला आप आगे कर दो। अब WNG की वैल्यू आपसे पूछ रही है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है उसी सूत्र को आपको लगा देना है, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर सूत्र, आप सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं ताकि इस प्रश्न को आसान तरीके से और अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व किया जा सके। ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपसे WNG पूछ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर वाटर के सापेक्ष ग्लास का पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, WNA या WNA कर दो या 1/ANW कर दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सूत्र इसका देख लो, जो चीज़ बाद में है उस चीज़ को आप ऊपर कर दो, ANG हो जाएगा, जो चीज़ पहले है उस चीज़ को आप क्या कर दो, नीचे कर दो। क्लियर, ANG की वैल्यू 3/2 है, 3/2 रख दो और आपका ANW की वैल्यू 4/3 है, 4/3 को यहाँ रख दो। नीचे वाला नीचे में, बीच वाला बीच में, 3 × 9 और 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8, 9/8 जहाँ पर मिल रहा हो उसी पर आप करेक्ट टिक मार दो और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे इसमें गलत कर देंगे, ANW/ANG कर देंगे तो उनका आंसर ये वाला आ जाएगा, नहीं होगा, आपको सीधे सीधे इसी सूत्र का यूज करना है। इस सूत्र को एक और रिकैप के रूप में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको देता है 1N 2, अगर कहीं पर 1N 2 मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आपको देता है, तब आपको सीधे N2/N1 का सूत्र लगा देना है, जो सूत्र हम लोगों ने इस वाले प्रश्न में किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई एक बार बताओ सभी साथी कमेंट सेक्शन। इसी सिंपल से सूत्र का आपको यूज कर देना है और आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न बहुत आसान तरीके से, बहुत मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को दोस्तों देखने का प्रयास किया जाता है। कह रहा कि पानी के बर्तन में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत होता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा, अब ये आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड आ गया। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पानी के बर्तन में
पानी के बर्तन में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, प्रतीत होने का मतलब क्या हो गया, ये आभासी हो गया। यदि पानी का अपवर्तनांक आपका 1.3 हो तो टब में पानी की वास्तविक गहराई आपको बतानी है। दोस्तों, मैं आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तब मैंने इस पर रिलेटेड आपको प्रश्न करवाए थे, और इसके बाद वाला भी प्रश्न लगभग लगभग आपको इसी पर आधारित मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से आप सभी साथी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सीधे सीधे आपको आभासी दो मीटर का मतलब क्या हो गया, आपको आभासी गहराई दी गई है। तब तक आप सूत्र लिखिए किसमें किस फार्मूले का यूज होगा, किस सूत्र को हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो, अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहोगे तब उससे आपको भी एनर्जी मिलती है और आपकी जो चीज़ें भूल जाते हो आप, या जो चीज़ें आपसे मिस्टेक होती रहती हैं, वो चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहती हैं। आभासी दे दिया, हमने लिख दिया आभासी को, आभासी जो गहराई है हमारी कितनी हो गई, 2 मीटर। चलिए दोस्तों, हमने मान लिया वास्तविक गहराई, हमसे पूछ रहा है, हम मान लिया वास्तविक गहराई कितनी है हमारी, x मीटर। अपवर्तनांक कितना दे रहा, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 1.3। सूत्र कौन सा लगेगा, अब आप सभी साथियों को अगर याद हो, थोड़ा सा भी याद हो, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। यही सूत्र मैंने आपको बताया था, अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। यहाँ पर वास्तविक गहराई x हमने मानना है, आभासी गहराई 2 मीटर मानना है, और अपवर्तनांक हमें 1.3 मान लेना है। रख दो दोस्तों, आपका प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से यह सॉल्व हो जाने वाला है। इस प्रश्न में कुछ भी अब बचा नहीं है, और अगर आप देखोगे तो यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है। बहुत बढ़िया साथियों, वेल डन। जिस तरीके से आप लगे हुए हो, लगातार प्रैक्टिस करो, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। सीधे सीधे वैल्यू रख दो, क्या था, n इज इक्वल टू वास्तविक अपान आभासी था, n की वैल्यू 1.3, वास्तविक की वैल्यू ज्ञात करना है x, आभासी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। जब आप यहां से x इज इक्वल टू निकालोगे, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1.3 इंटू 2, और जब 1.3 इंटू 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 26 2.6, और यूनिट क्या होगी आपकी, ध्यान देना है, यूनिट आपकी मीटर में होगी। यहाँ पर दो जगह पे आपको दे रहा है, दो जगह पे आपको 2.6 मतलब 26 से रिलेटेड दे रहा है, लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे तो 2.60 मीटर दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया साथियों, आप सभी साथी ने बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर दिया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में ना आई हो, तब आप एक बार बता सकते हैं कि हाँ सर, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, ताकि हम लोग मिलकर के उन चीज़ों पर डिस्कस कर सकें। जो भी आपके न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण रहेंगे, अब आपको डेली ऐसे ही बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा। और शाम का जो आपका लाइव सेशन होता है, उस लाइव सेशन में आपको मैथ और फिजिक्स दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, और केमिस्ट्री का भी आपको बीच बीच में प्रश्न मिलता रहेगा। तब तक अब आप जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, सभी के सभी वीडियो को देख लो। कैसे देखना है, मैंने आपको कल बताया था कि जो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उन सभी को आप चालू करो और उनकी स्पीड 1.5 कर लो, और आराम से फटाफट सारे के सारे वीडियो एक बार रिवाइज मान लो। यह प्रश्न क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक चलायमान सूक्ष्मदर्शी को बीकर की तली में बने चिन्ह पर फोकस करके 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया जाता है। क्लियर, कह रहा एक चलायमान सूक्ष्मदर्शी को बीकर की तली, बीकर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बीकर होता है, बीकर की तली पर बने एक चिन्ह पर फोकस करके 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाता है, ऊपर कर दिया जाता है। चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए जिस ऊंचाई तक पानी डालना होगा, आपको उसी का मान बताना है, किस ऊंचाई तक आपको उसमें पानी डालना है। मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आपसे क्या पूछ रहा, आपसे वास्तविक गहराई पूछ रहा है, आपसे लगभग लगभग यही पूछ रहा है, वास्तविक गहराई पूछ रहा, क्योंकि पानी डाला जाएगा तो पानी तो पूरा तली से लेकर के, अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसमें पानी भरने जाएंगे तो पानी आप पूरा तली से लेकर के ऊपर तक ही तो भरोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू, इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है, और आभासी गहराई क्या हो जाएगी, तली से 2 मीटर ऊपर उठ गया, मतलब अगर वास्तविक गहराई टोटल x है और तली से ऊपर उठा हुआ वह प्रतीत हो रहा, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, x माइनस 2 होगा या नहीं होगा, बताना एक बार। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हैशटैग बना लो, यह भी आपके लिए रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या,
कि वास्तविक गहराई x और आभासी गहराई x माइनस टू कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेल डन। चलिए इसके साथ ही साथ आप एक प्रश्न का जवाब देंगे कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से आप समझ लो। कह रहा है कि बीकर है और बीकर में एक बिंदु नीचे की तरफ है, ये 2 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है और इसमें पूरा का पूरा जल भरा जा रहा है। टोटल लेंथ x हो जाएगी, तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी, x माइनस टू हो जाएगी। सीधे आपको सूत्र लगा देना है। कौन सा सूत्र, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने लगाया था कि n इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। n की वैल्यू यहाँ पर आपको 4/3 दिया है, मतलब अपवर्तनांक आपको 4/3 दे रखा है ऑलरेडी। अब सीधे सूत्र लगा दो, 4/3 इज इक्वल टू वास्तविक क्या था, x था, आभासी क्या था, x माइनस टू था। इसी को सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आ जाएगी वही आपका हो जाएगा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरक गुणा करना है। x का गुणा 3 में और x माइनस टू का गुणा 4 में कर दिया। x का गुणा 3 में 3x हो जाएगा और 4 का गुणा x माइनस टू में करेंगे तो 4x माइनस 4 दुनी 8 हो जाएगा। अब आपको मिल गया 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 8। इस 8 को इस तरफ ले जाओ, 3x को इस तरफ ले आओ, कर दिया सर हमने। नए पेज पर यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, क्या क्या हमें मिला है। अच्छा, ये क्या आ गया भाई ऊपर। दोस्तों हमें क्या क्या मिला है, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस का 8। आज आपको ये PDF क्लास के बाद आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी ज्वाइन हो जाना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। 3 को इधर ले जाओ, 4 को इस तरफ ले जाओ, 8 को इस तरफ ले जाओ, 8 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और 3 जब आप इस तरफ ले जाएंगे तब यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4x में से 3x घटा दो, x हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अब आपको ध्यान देना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तब अगर आपको याद हो तो कह रहा था 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 8 की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में। अब आप बताएंगे कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होने वाला है, 6 सही होगा, 8 सही होगा या फिर 10 सही होगा। 2 तो होने से रहा, ठीक है। अब आपको बताना है 6 सही होगा, 8 सही होगा या फिर 10, कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो आप कहोगे सर वास्तविक गहराई हमने x मान रखी थी और x की वैल्यू अगर हमें 8 सेंटीमीटर मिली है तो हमारा जो मस्त जबरदस्त बेहतरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक की चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, ध्यान देना ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछता है और ऐसे ही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल पर बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसमें करना क्या है, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी साथियों को, किसी भी दोस्त को बिल्कुल भी इसमें घबराने, टेंशन लेने और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को देखो कोई दोस्तों, जब मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तब मेरे एग्ज़ाम में यह प्रश्न आया हुआ था, कुछ इस प्रकार से प्रश्न मेरे से भी पूछा था। ध्यान दे लो, कह रहा वायु में प्रकाश की चाल, सीधे आपको क्या दे दिया, वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड आपको दे रहा है। चलिए लिख दिया सर, क्या कह रहा, वायु में va एयर लिख दिया, एयर का मतलब हो गया प्रकाश की चाल, एयर में, एयर का मतलब वायु में, 10^8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चीज़ आपको क्या कह रहा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच क्या हो गया आपका, vg हो गया, जी का मतलब ग्लास हो गया, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्लियर, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल हमने va लिख लिया, कह रहा कांच में प्रकाश की चाल vg लिख लिया, पूछ क्या रहा वायु के सापेक्ष कांच का, ये चीज़ आपको पढ़नी आनी चाहिए कि किसके सापेक्ष, किसका अपवर्तनांक पूछ रहा इसमें दोस्तों, वायु के सापेक्ष पूछ रहा है तो वायु को सबसे पहले रख दो, किसका पूछ रहा है, कांच का, तो कांच को आपको बाद में रख देना है, anw हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जो चीज़ पहले है वो पहले हो जाएगी और जो चीज़ बाद में है वो बाद में हो जाएगी। इसी सूत्र पर रख देना है, ang इज इक्वल टू va/vg, va की वैल्यू 3×10^8, vg की वैल्यू 2×10^8। अब यह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कतई मार खाने वाला काम आप सभी साथी कर रहे हो, बिल्कुल मार पड़नी चाहिए। अगर आपका आंसर आ गया हो तब आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर दो, ताकि मुझे भी एहसास हो जाए भाई कि आप सभी साथियों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, ang
जिन साथियों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया वो तसल्ली के साथ धैर्य के साथ इस प्रश्न को देख लें। ANG इज इक्वल टू एयर में प्रकाश की चाल, मैंने VA/VG लिखा था तो एयर में प्रकाश की चाल 3×10^8 हो गई और ग्लास में प्रकाश की चाल 2×10^8 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो सीधे सीधे 10^8 से 10^8 को कट कर देंगे। ANG एयर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 से आप साथियों भाग दे दोगे आपको 1.5 मिल जाएगा और 1.5 आपको कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा 1.5। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे प्रश्न आसान होते हैं। बस आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपका अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपसे छूट कर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आप सभी बताएंगे क्रांतिक कोण की कंडीशन क्या होती है, क्रांतिक कोण कब बनता है या क्रांतिक कोण की कंडीशन क्या होती है? इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे। क्रांतिक कोण कब बनता है यह आपके लिए प्रश्न है, इसी चैप्टर का प्रश्न है, मैंने आपको करा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग 1.5×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान देना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, से वायु में 20° तथा 40° के आपतित कोणों पर आधारित है। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3×10^8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो किरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तब किरण में आपको पूर्ण आंतरिक पूछ रहा है, परावर्तन कब होगा? जब किसी दशा में नहीं होगा, जब आपतित कोण 40° होगा, जब आपतित कोण 20° होगा और दोनों दिशाओं में होगा। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, यह थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा आपको यह प्रश्न परेशान कर सकता है। क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग क्या कह रहा, 1.5×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, से वायु में 20° तथा 40° के आपतित कोणों पर आधारित होती है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तब किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या होती है। तो आप कहोगे सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन होती है कोई भी प्रकाश की किरण आती है जब वह उसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है, तब वही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें देखो 20 बड़ा है या 40, सीधे सीधे आपको अगर ऐसा कहीं भी प्रश्न मिलता है तो थोड़ा सा एक लॉजिक लगा लेना, 20 बड़ा है या 40, इस प्रकार से आप इस प्रश्न के आधार पर 40 इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप 40 कर सकते हो। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए ये आपका हो जाएगा होमवर्क, आप इसको चेक कर लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी हो पाता है तो 20 पे तो होगा नहीं, चूंकि 20 एंगल छोटा होगा और जब आपको 20 के बाद अगला क्राइटेरिया 40 का दे रहा है तब 40 आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है और यह हो गया आज का आपका होमवर्क। तो दोस्तों आज जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने किया है सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस में टाइम लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो अब आपको सक्सेस दिला सकती है और प्रैक्टिस ही है जो अब आपको स्ट्रांग बना सकती है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, सभी साथी सभी दोस्त एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आज के इस वीडियो को हम लोग एंड कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आज का सेशन आपका यह अच्छा गया होगा, आपको अच्छा फील हुआ होगा। छोटा सा सेशन है लेकिन आपके लिए बढ़िया सेशन है। तो चलिए कर देते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।